नमस्कार साथियों, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जो लगभग 50-60 संगठनों का समूह है, जो पिछले 12 साल तो दिल्ली और देश विदेशों हिंदू हितों वास्ते काम कर रहा है। अज असी राज्यपाल साहब नूं मिले हाँ और इस मौके पर मेरे नाल साडे मनोज नन्ना जी जो जलंधर तो ने, साडे पंजाब दे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के संयोजक ने, बाबा श्याम गिरी जी महाराज जो साड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ने। इस वक्त जो पंजाब दे हालात ने, पंजाब खुलेआम फिर खालिस्तान का माहौल बनाने की साज रची जा रही है। जिस तरह सुधीर सूरी जी जल अमृतसर जो साढ़े राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सीगे और टकसाली शिवसेना संगठन के नाम से अपना संगठन चला रहे थे, उन्होंने निर्मम हत्या की गई। उस तो बाद राम रहीम दे जिहड़े प्रदीप जी या साडे काली माता दा मंदिर जागरण दे उत्ते अटैक और खुलेआम वो बंदा संदीप जिन्हें गोली मारी सुधीर सूरी जी नूं, उहदा फुल्लां नाल स्वागत हो रहा है। ये सब वारदातां एक नया पिंडरां वाला पंजाब च खड़ा करन दी कोशिश की जा रही है। अमृतपाल सिंह जो कि अपने आप नूं पिंडरां वाला कह रहा है और इत्थे दीआं कई सिख जथेबंदियां उन्हें सरोपे भेट पर कर करके उहदा मान सम्मान बढ़ा रही हैं। मैं पहले लुधियाणे तो बिलोंग करदा, लुधियाणे रहा, मैं अतवाद का काला दौर देखिया हो और जो माहौल अज बन रहा है सानू स्पष्ट नज़र आ रहा है। एक तरफ तो जिहड़ी मान सरकार है, केजरीवाल सरकार है, ये पूरी तरह फेल है। अतवादियों की सपोर्ट नाल ही सरकार बनी है। अज खुलेआम सड़कां ते खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, अज खुलेआम हिंदुओं नूं डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारिया जा रहा है। उत्थे कनेडा पन्नू बैठा है, कोई पाकिस्तान च बैठा है, इत्थे मान होनी बैठे ने, ये सारे मिलके जो पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं, पंजाब के हिंदुओं नूं डरा के धमका के इत्थों पलायन करन दी जो साज रच रहे ने, उहदे मुद्दे के उत्ते असीं अज गवर्नर साहब नूं मिले हाँ और गवर्नर साहब ने साडी इह गल बड़े ध्यान नाल सुनी है और समझी है। उन्होंने सानूं आश्वासन दिता है कि असीं हर गल नूं बाज कर रहे हैं और समय आने पर जो भी गल्लां गलत हो रही हैं उन्हें रोका जाएगा और एक्शन लिता जाएगा। ये सानू उन्होंने पूरा सपोर्ट की है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का संकल्प है कि असे पंजाब दे विच फिर खालिस्तान की जिहड़ी है अग नू लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं लगन देनी। पंजाब हिंदू सिख भाईचारा कायम रहे। एक तरफ पंजाब के साडे मोस्टली परिवारों के बच्चे ने, नौजवान है, वो बाहर जा चुके विदेशों च, और दूसरे जो थोड़े बहुत बच्चे ने वो नशियां चलाते इन्होंने। अज अगर पंजाब दे आप गल करते हैं, पंजाब यूपी बिहार सब स्टेटा के लोग आ करके खेतीबाड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो जो खालिस्तान बनाने की मूवमेंट करने वाले लोग ने, राष्ट्र विरोधी ने, ये देश विरोधी ने, पंजाब की खुशहाली, पंजाब का भाईचारा नष्ट करके ये पंजाब नूं खालिस्तान तक कदे बना नहीं सकते, मगर खालिस्तान जरूर बना देंगे। अगर इत्थे सब लोग डर डर के इस तरह हत्या करके जान लगे तो पंजाब का की होगा। पंजाब खुशहाल रहे, पंजाब हिंदू सिख भाईचारा कायम रहे और पंजाब साडे देश का, भारत का एक अभिन्न अंग है। पंजाब के लोगों ने हमेशा देश वास्ते, धर्म वास्ते, समाज वास्ते सैक्रीफाइस, त्याग, बलिदान किए ने। अज भी पंजाब का हिंदू यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, बाकी सारे हिंदू संगठन मिल करके पंजाब के हिंदू सिख भाईचारे वास्ते, पंजाब खुशहाली के वास्ते कोई बड़ी से बड़ी अपनी मूवमेंट करने तैयार ने, बड़े तो बड़ा अंदोलन देने तैयार ने। इसी विषय से लेके अज असी मिले हाँ और असी पंजाब के हिंदुओं को कहना चाहते हाँ कि पंजाब का हिंदू डट के अतवाद का सामना करे। अभी सारे मिल करके जो भी कोई करना पेगा आप करांगे। असी पंजाब नूं फिर से खालिस्तान की जो अग है उस नहीं जलन देवांगे। साडा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का, राष्ट्रवादी शिवसेना का संकल्प कहना है, स्पष्ट कहना है। ताडा कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, मैं मोटी मोटी गल जिहड़ी करके तुहानूं दसदी है। देखो मंग तो असीं यही की है भी एक तो जो साडे हिंदू जथेबंदियां दे लोग ने या डेरियां दे संत ने, उन्हां नूं जिस तरीके नाल डराण दी, प्रताड़ित करन दी, इत्थों भजाण दी साज़िश रची जा रही है, उत्ते लगाम लगनी चाहिए है और सानू गवर्नर साहब ने
पूरा आश्वासन दिता है कि इस विषय के उत्ते जो भी कुछ करना है वो करनगे। उन्हां दा सानू पूरा आश्वासन है। वो सानू लगता है कि इदां दे व्यक्ति राष्ट्रभक्त देशभक्त जिन्होंने पूरा जीवन देश धर्म वास्ते लगाया है, इदां दे व्यक्ति अज इत्थे राज भवन च बैठे ने। सानू लगता है कि साडे पंजाब दे हिंदुओं नू, पंजाब दे राष्ट्रवादी भावें हिंदू सिख जो भी राष्ट्रवादी लोग ने, उन्हां नू पूरी उन्हां दा संरक्षण मिलेगा, पूरा आशीर्वाद मिलेगा, साडा पूरा विश्वास है। ठीक है जी, नमस्कार, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।